दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सभी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं तो भाई लोगों, ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा ऐप स्टोर है और इसकी कुछ खास और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ काफ़ी सारे एप्लीकेशंस इसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से इस पे अवेलेबल नहीं है। तो आज इसी वजह से मैं आपके साथ 5 एप्लीकेशंस को शेयर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी यूजफुल है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इन एप्लीकेशंस को एक बार ज़रूर यूज़ करें। तो आगे बढ़ने से पहले और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं। प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे साथ? क्या बिगड़ा है मैंने आपका? तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो पहली ऐप जो इस लिस्ट में है उसका नाम है टैप टैप। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि आईफोन यूजर्स अपने फोन की बैक पे टैप करके कुछ खास शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, लाइक किसी ऐप के शॉर्टकट को यूज करना, कैमरे का यूज करना या फिर स्क्रीनशॉट लेना। इस ऐप का यूज करने के लिए सिंपली आपको एक्सेसिबिलिटी सर्विस को इनेबल करना है एप्लीकेशन में जाके, और उसी के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, डबल टैप और ट्रिपल टैप। जैसे ही आप डबल टैप पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी शॉर्टकट इस ऐप में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसकी टच सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, दूसरे नंबर की एप्लीकेशंस है जिसका नाम है न्यू पाइप। तो इस ऐप का यूज करके आप सभी मेरे को ये बोलेंगे, तो दोस्तों न्यू पाइप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे आप YouTube के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म के वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं इसको YouTube के वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए यूज़ करता हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी YouTube के फीचर्स अवेलेबल हैं। आप डार्क, लाइट और सिस्टम वाइड थीम का भी यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब स्ट्रीम करना और वीडियोस डाउनलोड करना ही न्यू पाइप की एक अलग खासियत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐप काफ़ी प्राइवेसी ओरिएंटेड है, तो ये आपका जो डेटा है इसे ऑफलाइन सेव करती है। तो आप यूट्यूब के अलावा इस ऐप पर टेस्ट कर सकते हैं और ईजिली आप इस वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और स्ट्रीम भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की तीसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है ब्रोमेट। तो ब्रोमेट एक वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम की ही तरह। तो ब्रोमेट की एक बात जो सबसे अच्छी मेरे को लगती है कि इसमें एड ब्लॉकिंग सिस्टम इनबिल्ट है, तो आपको कोई भी ऐसे फालतू एड्स आपको परेशान नहीं करेंगे और आप इजीली अपनी वेबसाइट और कुछ भी अगर रीड करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये काफ़ी प्राइवेसी और डेटा की सेफ्टी भी रखता है, क्योंकि इसमें आप एक्सीडेंटली किसी भी ऐप के लिंक को या किसी भी एड्स को एक्सीडेंटली टच नहीं कर पाते, क्योंकि ये एड्स को ही ब्लॉक कर देता है। और ये काफ़ी लाइट वेट है और इतनी एंड्रॉयड फ़ोन में आपके जगह भी नहीं लेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर गूगल क्रोम के एड्स से परेशान हैं तो ब्रोमेट को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इस लिस्ट की चौथी एप्लीकेशन है जिसका नाम है वीडियोडर। तो आप अगर शौकीन हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए, लाइक आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी मूवीज़ और अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं और उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं बट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पाते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोडर ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और इसी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको उस ऐप के आइकॉन पे क्लिक करना होगा और उस पर साइन इन करना होगा, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे आखिरी और बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसका नाम है एप्ड्रॉयड। बट एप्ड्रॉयड एप्लीकेशन खुद से ही एक ऐप स्टोर है और इनमें आपको वो सभी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे पायरेटेड हैं या क्रैक सॉफ्टवेयर हैं। तो यही इसकी एक खासियत भी है कि इनमें जो भी आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे वो सभी ओपन सोर्स मिलेंगे और कोई भी आपको मोडेड, पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, जो एक भरोसे वाली बात बताता है। और इसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट रहेगा
किसी वायरस और मलिशियस एक्टिविटी से। तो ये था आज का वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं चलता हूँ भाई लोग।